गैस, वैसे तो हम काफी लंबे समय से सुनते हुए आ रहे हैं कि बीएसएनएल जो है कि 4G नेटवर्क में कन्वर्ट हो रहा है और बहुत ही जल्दी 4G लॉन्च कर देगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक न्यूज ये भी आई थी कि मोदी जी ने 1,84,000 करोड़ रुपए का सौगात दे दिया बीएसएनएल को इसको 4G में तेजी से कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन मैं कहता हूँ दोस्तों कि मोदी जी का ये सारा पैसा डूब गया है, बीएसएनएल भी बहुत तेजी से डूबने वाली है। क्योंकि दोस्तों, ट्राई ने अभी एक लिस्ट जारी की है और वो हर 2 महीने में एक यूजरों की लिस्ट जारी करती है कि किस टेलीकॉम कंपनी के पास कितने कितने यूजर हैं। तो दोस्तों, अभी ट्राई ने जो लिस्ट जारी किया था वो अक्टूबर महीने का लिस्ट जारी किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि अभी करंट में जो बीएसएनएल के पास ग्राहक हैं वो दोस्तों 10 करोड़ ही मात्र बचे हुए हैं और अक्टूबर महीने में 11 लाख लोग जो है कि बीएसएनएल से भाग करके अदर नेटवर्क में वो गए हैं, वो जियो में गए हैं या फिर एयरटेल में गए हैं। तो दोस्तों, इस वजह से मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि मोदी जी जो है कि जो अपना पैसा लगाए हैं 1,84,000 करोड़ रुपए इसको 4G में कन्वर्ट करने के लिए, तब तक तो इसके यूजर ही खाली हो जाएंगे। अगर किसी टेलीकॉम कंपनी के पास यूजर ही नहीं रहेंगे तो वो कमाएगी क्या, वो कमाई करेगी कहां से, उसको तो डूबना ही डूबना है, पूरी तरीके से वो बंद ही हो जाएगी, जैसे और बाकी कंपनियां बंद हुई थी, एयरसेल और यूनिनार। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये मोदी की एक सोची समझी रणनीति है और काफी लंबे समय के बाद यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त उछाल मारने वाला बीएसएनएल, और बीएसएनएल का भारत में एक बार फिर से डंका बजने वाला है अगर ये 4G अपने आप में पूरी तरीके से अपग्रेड कर देगा तो। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय इंडिया में बहुत ही तेजी से 5G लॉन्चिंग की काम चल रहा है और सारी प्राइवेट कंपनियां जो है कि 5G लाने वाली है, और 5G का डेटा दोस्तों बहुत ही ज्यादा महंगा होने वाला है। जानते हैं कि जनवरी में 4G की प्राइस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज की गई है, इसका रिचार्ज प्लान और महंगा कर दिया गया है, और जो करंट में अभी आप 4G यूज कर रहे हैं इसे 15-20% ज्यादा महंगा होने वाला है 5G। तो दोस्तों, इतने ज्यादा महंगे में तो आप क्या 5G यूज करेंगे या फिर एक सस्ते प्लान की तरफ जाएंगे? तो बीएसएनएल 4G एक ऐसा ऑप्शन इंडिया में बच जाएगा जो कि काफी सस्ता होगा। इस वजह से दोस्तों, बीएसएनएल को अपने एक मार्केटिंग करनी पड़ेगी और लोगों तक ये चीजें पहुंचानी पड़ेगी और अपना सबसे ज्यादा नेटवर्क को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि जब भी हम कॉलिंग करें तो कॉलिंग आसानी से लग जाए, आउट ऑफ नेटवर्क या पहले नॉट रीचेबल वाली प्रॉब्लम न रह जाए, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से बीएसएनएल में चली आ रही थी। इस वजह से लोग बीएसएनएल से हट करके अदर नेटवर्क पे जा रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मोदी जी की सोची समझी रणनीति ये है कि बॉर्डर के एरिया के आसपास जो गांव है वहां पे कोई भी प्राइवेट कंपनी अब तक अपना कोई भी टावर नहीं लगा पाई है। इस वजह से जो है कि मोदी जी अब जो है कि वहां पे टावर नए कुछ लगवा रहे हैं और वहां पे 29,000 गांव जो है बॉर्डर के, सारे बॉर्डर के एरिया के आसपास के गांव के, वो जो है कि बीएसएनएल से 4G से जुड़ने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पे कोई रोजगार वगैरह तो है नहीं ऐसा ऑप्शन, तो वहां पे भी नेटवर्क देख कर वहां पे इंटरनेट से लोग जुड़ के वो भी शहर से जो है कि कनेक्ट हो पाएंगे आसानी से। तो दोस्तों, यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस का जो मामला है ये भी एक बहुत ही अपने आप में एक अच्छी बात है। इसलिए दोस्तों, गवर्नमेंट जो है कि बीएसएनएल को बेचेगी नहीं, अपने पास रखेगी, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है कि अपने पास ही रखना चाहिए जो कि सिक्योरिटी पर्पस के मामले से, क्योंकि बॉर्डर पे जो जवान हमारे यूज करते हैं वो भी बीएसएनएल का ही नेटवर्क यूज करते हैं, वो भी जो बात वगैरह करते हैं वो भी बीएसएनएल के वजह से ही कर पाते हैं। तो टीसीएस जो है वो कॉलिंग करके अभी टेस्ट कर चुकी है कि 10 मिलियन यूजर एक साथ जो है कॉलिंग कर रहे हैं तो कोई भी ड्रॉप डाउन उनको नहीं मिला, वो बहुत अच्छी टेस्टिंग अभी चल भी रही है। तो वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है ये बीएसएनएल और बीएसएनएल बहुत ही जल्दी आ जाएगा पूरे, कहा तो ये जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक पूरे पैन इंडिया में बीएसएनएल का 4G लॉन्च हो जाएगा। और उड़ीसा के 2 जिले ऐसे हैं जहां पे दोस्तों ऑलरेडी 4G वहां पे चल भी रहा है। आपकी सिटी से बिलोंग करते हैं, आपके एरिया में क्या बीएसएनएल का स्टेटस है और वहां पे 5G कौन सा लॉन्च हो चुका है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमारे सभी सब्सक्राइबर को पता चल सके कि 4G और 5G कहां तक लॉन्च हो पाया और कहां तक सही तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर और भी क्लिक करना, ऐसे ही और वीडियो आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।